और नारी के प्यार में बड़े बड़े भी चक्कर खाते दूधे मत। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर से एक बार जेवर में जो भारतीय किसान यूनियन का नया संगठन तैयार हुआ है उसकी आज बैठक की जा रही है, और इसके लिए जो हाईवे का पुल है जेवर सिकंदराबाद मार्ग पर उसके नीचे ये जगह निर्धारित की गई है। मांगेराम त्यागी आज यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज की मीटिंग का जो उपलक्ष्य रखा है इन लोगों ने वो एयरपोर्ट के किसानों को लेकर रखा है, उनके मुआवजे को लेकर, और उनसे विस्थापित जो किसान हैं उनकी समस्याओं को लेकर ये पूरा मामला रखा गया है। जेवर के यमुना एक्सप्रेसवे पुल के नीचे नोएडा इंटरचेंज के करीब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एयरपोर्ट के किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाते हुए उपस्थित मंच से किसान नेताओं ने अपनी बात रखी। कोई भारत में भेजो उनके संग इतना अत्याचार है, कोई जवाब भाई मेरे किसान भाइयों तुम्हारा से ये फिर कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो सब लोग उठो अपनी मांग मांगो, और हम किसान हैं, गांव के हैं, हमें गांव का ही प्रतिफल मिलना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट से संबंधित किसानों के विस्थापन एवं चार गुने मुआवजे को लेकर यह बैठक रखी गई थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में रागनी गायन का कार्यक्रम रखा गया था। लगभग 2 बजे के करीब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित किसान नेता मांगेराम त्यागी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने सभी किसानों के समक्ष अपने विचार रखे तथा किसानों की समस्याओं को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही। परमात्मा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी का चित्र आज हमारे समक्ष है। महात्मा हमेशा अपनी ईमानदारी और अपने संघर्षों के लिए हिंदुस्तान नहीं अपितु हिंदुस्तान के बाहर भी जाने जाते रहे। साथियों, जिस पावन धरती पर आज हम खड़े हैं और जिस पावन धरती का किसान किसान देवता आज अपनी समस्याओं को लेकर इस पंचायत के अंदर मौजूद है, ऐसी पंचायतें कई बार यहाँ होती रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जेवर के आसपास के क्षेत्र को प्रशासन के द्वारा लूटने का काम किया जा रहा है, इसमें कतई संदेह नहीं है बिल्कुल भी। और जिस प्रदेश के अंदर, जिस देश के अंदर भारतीय किसान यूनियन जैसे बहादुर संगठन रहे हों, उनके होते हुए भी यहाँ का किसान लुटता रहा, ये शर्म की बात है साथियों, शर्म की बात है। आज मैं अपने जो हृदय से आवाज निकलती है उसे आपके बीच रखने के लिए आया हूँ। आज बहुत जरूरी काम था, कहीं बाहर जाना था, सब काम छोड़ के आपके बीच में आया। जो आत्मा की आवाज थी आज कोई भाषण नहीं, कोई स्पीच नहीं, आज जो आत्मा कहेगी मैं वो बोलने का काम करूंगा। हो सकता है कि इस पंचायत में मौजूद कुछ लोगों को भी बुरी लग जाए और आने वाले जो पंचायत है उनमें करने वाले लोगों को भी बुरी लग जाए। साथियों, यहां हमेशा किसान की बात हुई, किसान के संघर्ष की बात हुई, लेकिन ये सत्यता रही कि यहां हमेशा किसान छला जाता रहा, किसान लूटता रहा, किसान पीटता रहा, और जो लीडर नेता थे उनके मकान से उनकी कोठियां बन गई और साइकिल से वो आज फॉर्चुनर गाड़ियों में आ गए, और इस क्षेत्र के किसान का भला कभी नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं,